हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगातार हो भी रहे हैं, और कुछ क्रिटिकल कंडीशन में तो लोगों की मौतें भी हो जा रही हैं। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी ये है कि 80 से 85% लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है जिससे कि वो इस संक्रमण से बच के और हेल्दी वापस आ सकते हैं। जी हाँ, मैं स्ट्रांग इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ। आपके शरीर में जितनी भी एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं जिसे हम एंटीजेंस बोलते हैं, चाहे वो वायरसेस हों, बैक्टीरियाज हों, वो जो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, या फिर एक्सटर्नली कोई भी चीज़ हमारे शरीर में अगर प्रवेश करती है तो हमारा शरीर एक लिम्फोसाइट नाम का तत्व प्रोड्यूस करता है जिससे कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ वो एक्सटर्नल चीज़ों से फाइट करने में हमारी मदद करता है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तरीके से नहीं बताऊँगी, बिकॉज वो थ्री इडियट्स वाला हाल हो जाएगा कि मशीन का एग्जांपल बोला तो मशीन का पूरा डेफिनेशन बोल दिया, किसी को समझ में नहीं आया, तो ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। आप बस ये समझिए कि कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसे हमारा शरीर उसे फाइट बैक करने में जुट जाता है। सेम उसी तरह से जैसे सीमा पर हमारे जवान हमारे पूरे देश की सुरक्षा के लिए लड़े जा रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जिससे कि एक्सटर्नली ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी इतनी लो क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाएं भी इस समय यही सोच रही होंगी कि वो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं जिससे कि वो इस संक्रमण से बच जाए। बिकॉज़ ये इस टाइम पे ऐसा है कि आपकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, आप किसी भी तरह के वायरसेस से, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ों से आप बच जाइएगा। ये प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी इतनी लो क्यों हो जाती है? यूँ कहें तो लो नहीं होती है, बल्कि एक डायनेमिक सा प्रोसेस होता है। आपकी स्टेजेस बाय स्टेजेस ये डिफ़र करती है। मे बी आपके ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर अलग होती है। आपके पूरे प्रेगनेंसी में अप डाउन चलती रहेगी, लेकिन आप देखिएगा कि लास्ट डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाती है। तो इन सब का क्या रीज़न होता है? देखिए, होता क्या है कि एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ह्यूमन स्पर्म क्यों ना हो, फादर का स्पर्म जो जीन्स है, अगर फीमेल बॉडी में जाती है तो फीमेल बॉडी उसे एज अ एक्सटर्नली चीज़ उसे फाइट करने में जुट जाती है। तो जितनी भी इम्यूनिटी सेल है उनका जो टारगेट होता है आपकी प्रेगनेंसी को होने में, आपकी प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने के लिए सस्टेन करने के लिए, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के बाद की रिकवरी के लिए, उन सब के लिए आपकी इम्यूनिटी सेल वहाँ पर चली जाती है। और यूँ सिंपल से शब्दों में ये कहें तो सारी जो इम्यूनिटी सेल है उनका ध्यान उस तरफ रहता है, इसलिए आपकी जो नॉर्मल जो कोल्ड होते हैं, कफ होता है, फ्लू होता है, या यूँ कहें तो कभी कभी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, उन सब पे काफ़ी उनका ध्यान कम होता है, और इसलिए आपका शरीर थोड़ा सा वीक हो जाता है। वो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली कैच करने में वो ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं, क्योंकि उन सब का पूरा ध्यान जाता है कि आपके फीटस को सस्टेन करने के लिए, आपकी पूरी प्रेगनेंसी को स्मूथली जाने के लिए सारी इम्यून सेल्स जुट जाती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस समय जो रिसीवर रहता है उसके शरीर के लिए, तो जो डोनर ने जो ऑर्गन दिया है वो उसके लिए एक्सटर्नल है, तो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए इस बॉडी में उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनको एंटी रिजेक्शन ड्रग्स भी दिए जाते हैं जिससे कि वो ऑर्गन उनके शरीर में अपना ले, एक तरह से समझिए तो, या फिर रिसीव करने में मदद करती है। सेम इसी तरह से प्रेगनेंसी के समय भी ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, इसलिए इम्यूनिटी उस समय लो हो जाती है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी में, या फिर यूँ कहें तो अभी इतना संक्रमण चल रहा है उसमें आप कौन कौन सा फूड ले सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाए ताकि आपके शरीर में किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फाइट बैक कर ले। तो होप आपको मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। ऐसी ही किसी भी अन्य तरह की जानकारी जो आपको लगता है कि मुझे उस पे वीडियो बनानी चाहिए, जो कि आपकी नीड है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेंड्स माई वर्ल्ड।